एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, 2023 में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को एक एक हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी कि 12,000 रुपये एक साल में आपको आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। जैसे दोस्तों, आप सभी को पता है कि पहले चरण में लगभग सभी महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उन सभी महिलाओं के लगभग 1,000 रुपये भी उनके खाते में आ चुके हैं। परंतु अब जो द्वितीय चरण चालू होने वाला है, उसमें कुछ नियम में परिवर्तन किए गए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताने वाला हूँ कि नियम में क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जो महिलाएं, जो फर्स्ट राउंड में जो महिलाएं वंचित रह गई थी या जो अपात्र थी, अब वो भी इसमें पात्रता अगर रखती हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो जुलाई माह में 1 या 2 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसके क्या कुछ नियम परिवर्तन हुए थे, पहले क्या थे और अब क्या परिवर्तन हुए, वो आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। पहले जो नियम थे और अब जो नियम है, उसमें बहुत अंतर आया है। तो आप भी पात्रता रखते हैं तो जरूर इसमें आवेदन करिए। तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए दोस्त, पहले जो पात्रता थी इसमें, कि पहले अगर आपकी आयु आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में अगर 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो, 60 वर्ष की आयु से कम हो, तो इसमें आप आवेदन कर सकते थे। परंतु अब जो सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड राउंड में आपकी उम्र को घटाकर योजना की पात्रता के लिए 24 वर्ष की स्थान पर 21 वर्ष की आयु की महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। जो नवविवाहिता हैं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। जैसे कि आपको बताया कि प्रथम चरण में 23 वर्ष की उम्र थी और अब जो स्टार्ट हो रहा है सेकेंड चरण, तो उसमें आपकी आयु 21 वर्ष कर दी गई है। तो अगर आपकी आयु भी 21 वर्ष है तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा नियम यह परिवर्तन हुआ है कि जिन परिवारों के सदस्यों के पास के नाम से पंजीयन 4 पहिए वाहन ट्रैक्टर सहित हो, मतलब आपके घर में या परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से 4 व्हीलर मतलब कार ट्रैक्टर अगर आपके पास पंजीकृत है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हो जाएंगी। परंतु दूसरे चरण में जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें अगर आपके परिवार के सदस्य किसी भी सदस्य के नाम पर ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है तो वो भी इस महिला के लिए, इस आवेदन के लिए पात्र रहेंगी। मतलब अगर आपके घर या परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है या पंजीकृत है तो वो महिलाएं भी पात्र होगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को भी 1,000 रुपये दिया जाएगा। किसी कारणवश आपने अगर इसमें आवेदन नहीं किया है तो 1 या 2 जुलाई से इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसमें आवेदन करवा लिए। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपको कंप्लीट रखना है। पहले अपने समग्र आईडी में आधार कार्ड आपको अपडेट करवा लेना है, समग्र आईडी की केवाईसी करवा लेना है, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर आपको अपडेट करवा लेना है और आपका जो बैंक खाता है उसमें डीबीटी इनेबल करवा लेना है। ठीक है, व्यक्तिगत महिला का खाता होना चाहिए, अगर नहीं है तो जल्दी से जाकर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लें, उसमें डीबीटी भी आपकी एक दिन में इनेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये 2 नियम थे जो कि चेंज हुए हैं सेकेंड राउंड में। तो अगर आप भी किसी कारणवश इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं तो आप इसमें जरूर से आवेदन करिएगा। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होते हैं हम आपको सबसे पहले सूचना देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी माता बहनों को पता चल सके कि लाडली बहना योजना का सेकंड राउंड जल्दी स्टार्ट होने वाला है और उसमें कुछ नियम में परिवर्तन हुए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से आपको बताए गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी जानकारी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।